बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं तबूक में, और ये एक किला है जो आप सल्लम के दौर से मुसलमानों की कस्टडी में है और फतह हुआ। ये उसका नक्शा था। ये उसके मुख्तलफ किला तबूक के सूरत हाल जो अरबिक में लिखी आप सल्लम की अहदीस मुबारक का, जो हज़रत माज़ बिन जबल को से फरमाया कि क्या खूबसूरत ये शहर है, इसका मफहूम है। ये किला बेसिकली तबूक सिटी के बिल्कुल दरमियान में है, तो ऊपर से ये कच्चा सारा, नीचे से बड़े बड़े पत्थरों से तैयार बहुत बड़े हाल। ये दरमियान में सहन है, ऊपर कभी जो है ना वो चार दीवारी बड़ी बेहतरीन फसीटें मजबूत। ये भी सारी देखें अहदीस मुबारक का आप सल्लम की, इसी से रिलेटेड ये सहन से ऊपर भी कमरे बने हुए हैं, नीचे भी कमरे बने हुए हैं। पहले नीचे से शुरू करते हैं, ये देखते हैं कि इसमें कैसे कमरे हैं लोकेशन। आहा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़े प्यारे कमरे बने हैं, छोटे छोटे हैं। ये देखें इसकी जो है ना वो हदीस की रूह से आप मस्जिद, ये पुराने दौर की जो है ना वो इसकी तस्वीर है। ये कुछ सामान है, आटा पीसने वाली हाथ वाली चक्की, और ये मशकीज़ा, और ये इसका नहीं समझ आई मुझे। खैर ये कमरे बड़े ज़बरदस्त हवादार रोशनी वाले। ये देखें ये भी कमरा उसी के साथ है, पुराना महल्ले को, ये इसका मेन बाहर वाली जगह है, वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये सारी सूरत बहुत प्यारा गजवात हुए थे, ये रोशनी के बेहतरीन पुराने इंतजाम। ये दरवाज़े छोटे से तकरीबन 4.5 फुट का दरवाज़ा होगा इसकी हाइट। ये है मस्जिद बिल्कुल दरमियान में बनाई हुई है, ऐसे ही उसके ऊपर भी बनी हुई है, वो भी आप बाद में जाएंगे तो बताते हैं आपको। अच्छी लुक है, ये छोटे छोटे कमरे हैं। ये खजूरों के बागात भी बकसरत मिलते हैं एन तबूक में। ये हदीस मुबारक है, ये भी तबूक से मतलब, ये उस दौर के जो है वो कुछ सिक्के कोई अंगूठियाँ पुराने, ये इसमें रोशनी के इंतज़ाम करने के लिए दिए जलाए जाते थे। ये देखें ये भी हदीस, ये बहुत सरसब्ज शताब खिता है, ये बड़ा खूबसूरत है सामान वगैरह रखने के लिए कुछ। ये इसका आ गया आहता, ये देखिए ये भी हदीस मुबारक है। इसी तबूक के लिए बहुत सारी अहदीस आपको दिखा दी हैं। ये भी देखें तबूक के बारे में, अभी अगले कमरे कुछ मुकफ्फल हैं, कुछ ताले लगे हुए हैं। खैर आगे ये मैन, ये क्या है, ये ऑफिस है उनका। खैर ये ऊपर वाली साइड पे हम जा रहे हैं, ऊपर वाली दिखाएंगे आपको। ये दफा करने के लिए सुराख, ये देखें ये असल में ये तीरों का इस्तेमाल करते थे यहाँ पे। ये दीवार ऊंची है ऊपर काफ़ी, ये देखो ऊपर वाली साइड पे खड़े होके ऊपर से भी वो किले का दफा करने के लिए। तो ये देखें ये ऊपर मिट्टी के कमरे बने हुए हैं, नीचे वाले कमरों में ये भी कमरे सारे एक ही तर्ज के बने हुए हैं। तो ये हैं जो
अमीर जिन्होंने उस इसकी दोबारा से तामीर की, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा। ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है पत्थर के ऊपर तराश कर। ये है कुछ। खैर अगला रूम देखते हैं। कमरा इसमें मोहम्मद बिन अहमद मुदस्सिर जिन्होंने हुकूमत की यहाँ पे, जिन जिन लोगों के अंडर में तबूक की हुकूमत रही और उन्होंने कुछ काम यहाँ पे किए। ये देखें, ये आग जलाने के लिए था, चिमनी ऊपर की तरफ जा रही है धुआँ बाहर निकालने के लिए। ये तकरीबन चिमनी ऊपर वाले कमरों में देखने को मिली है, नीचे नहीं, ये पत्थर के ऊपर ही ये भी तराशा गया है। जैसे नीचे मस्जिद थी वैसे ही ऊपर ये लकड़ी के ऊपर छत डाली हुई है सारी। हवा का इंतज़ाम, रोशनी का इंतज़ाम बड़ा ज़बरदस्त रखा गया है। बहुत अच्छा, बहुत आला। ये दूसरी साइड पे आ गए। समय यहाँ से कुछ देखते थे दुश्मन को और तीर चलाते थे छुप कर। बेहतरीन तीर अंदाज जो है ना वो हायर किए जाते थे। ये ऊपर क्यों जाने वाला है, लेकिन ऊपर से ताला लगा हुआ है। ये सारा मिट्टी का बना हुआ कमरा है, ऊपर कमरे जितने भी हैं वो मिट्टी के हैं, नीचे पत्थरों के। ये कुछ चीज़ें कैमरे वगैरह पिछले पुराने तो। खैर हमारे पास वक्त शार्ट था, हमने फ्लाइट लेनी थी तबूक से वापसी जद्दा के लिए आना था, इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी में इसका रिव्यू बनाया। या चलें ये भी देख लें और लोगों को भी दिखाएं। ये कुछ पुराने नवादरात, ये सहन आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके। एक अजीब सी देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पहली बार देखते हैं लेकिन उस जिसके रिलेटेड होती हैं उसकी वजह से उसकी मोहब्बत बढ़ जाती है। ये पूरा नक्शा है, ये समंदर है बहरा अहमर, रेड सी जिसको कहते हैं, उसके साथ साथ जो है ना वो ये सारा रास्ता बना हुआ है। ये कमरे खाली हैं। सेन आ गया और बेहतरीन ऊपर से नज़ारा। ये ऊपर कमरे सारे मिट्टी के हैं, ये देखें, ये मिट्टी के सारे बिल्कुल गारा मिट्टी। हमारे इलाके में जिसको तूड़ी वाली कहते हैं वो वाली मिक्स करके। ये बाहर वाला सीन है, ये भी आपको दिखाते हैं बाहर से। बेहतरीन, चले भी नीचे को, ये देखिए सहन बहुत अच्छा। शाम में आ गया नीचे, ये देखें।